तो मैं हूँ आपकी शुक्रिया शुएब ऑफिशियल, मेरे चैनल का नाम है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कड़ी पकौड़ा की बहुत ही आसान रेसिपी और साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप आसानी जो कड़ी पकौड़ा नहीं बना सकते वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये बनाएंगे। तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज हमने व्लॉगिंग, हम लोग आजकल बाहर बारिश लगी हुई है तो बाहर नहीं जाते, तो इसलिए मैंने कहा घर में ही आपके साथ व्लॉगिंग शेयर करते हैं। तो आज मैं आपके साथ व्लॉग करने लगी हूँ, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कड़ी ना खाओ तो क्या मज़ा। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकौड़ा, तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, उसमें मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो वो आप लोग मेरे साथ आएँ और मैं आपके साथ रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। तो ये कुछ आइटम मैंने लिए हुए हैं कड़ी पकौड़ा के लिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पोटैटो कटे हुए हैं, प्याज कटा हुआ है, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ठीक है, ये हरी मिर्च है और ये मैंने पेस्ट बनाया हुआ है लहसुन अदरक का, और ये बेसन है और ये कुछ इलायची वगैरह भी पड़ी हुई हैं, और दही भी मैंने फेंट के रख दिया है, और दही हमेशा थोड़ा खट्टा लिया करे और मैंने तो सही खट्टा वाला दही रखा हुआ है। तो चलते हैं आपके साथ रेसिपी की तरफ। कढ़ाई में मैंने डाला है घी, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और ये हम लोग घी में इसको करेंगे थोड़ा सा ब्राउन। और ये हमने जूसर मशीन ली है और इसमें मैंने डाली है दही और बेसन, अब इसको हम ग्लेंडर करेंगे। तो हमारा लहसुन हो गया है हल्का फुल्का ब्राउन, तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं, देखें, सूखा धनिया, ठीक है। और अब हमने इसमें ऐड की है लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही हमने हसब जायका नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें हमने डाल दिया है कड़ी पकौड़ा का पेस्ट और इसके साथ साथ हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो अब हम इसको उबाले आने तक हम इसको पकाते रहेंगे और आपके साथ अब पकौड़ों की रेसिपी शेयर करते हैं कि हमें पकौड़ों का मसाला कैसे बनाना है। तो ये हमने डाले हैं आलू, प्याज, हरा धनिया थोड़ा सा इसके अंदर, अब इसमें हम दड़ा मिर्च, सूखा धनिया और नमक और थोड़ा सा हम लोग इसमें सालन मसाला ऐड करेंगे और ज़ीरा भी। तो हम इस अब हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका पेस्ट बना लेंगे। तो फाइनली हमारे पकौड़ों का मसाला बन गया है, तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। ताकि कड़ी में पकौड़ा डला हो और क्रिस्पी ना हो तो फ़ायदा। पहले चलते हैं हम कड़ी की तरफ। तो कड़ी को बॉयल, ये देखें, अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना, पुदीना लाजमी ऐड करें क्योंकि पुदीने की एक अपनी खुशबू होती है, और धनिया और हरी मिर्च, तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इस पर ढक्कन हम लोग रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें पक जाए थोड़ी देर के लिए। पुदीना इसमें लाजमी डालें, पुदीना ना डालें तो मज़ा क्या। तो ये हमने रखे हैं पकौड़े और पकौड़े बन रहे हैं साथ साथ, तो आपके साथ शेयर करेंगे अपने पकौड़े। तो कड़ी ने बॉयल उबलना और खुशबू छोड़ दी है अपनी, तो हम इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाएँगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो साथ साथ पकौड़े ब्राउन हो रहे हैं, तो अब हम पुदीने के बाद हमें धनिया और इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी हैं। तो ये हमारे पकोड़े हो गए हैं तैयार। तो अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तड़के में हमने डाला है प्याज, उस घी में जिसमें हमने पकोड़े बनाए हैं प्याज ऐड की है, प्याज को हम ब्राउन होने देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च और साबुत मिर्च और हल्दी और ज़ीरा। तो प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, तो ये हमने इसमें मसाले ऐड कर लिए हैं, 2 मिनट हमने इसमें मसाले पका लेने हैं। तो ये हम लोगों ने इसमें कड़ी में डाल लिया है, तो आप देख सकते हैं इसने कितनी अच्छी शक्ल पकड़ी है, साथ ही हमने इसमें पकोड़े भी ऐड कर लिए हैं। तो ये इतनी मज़ेदार हमारी कड़ी तैयार हुई, और आप लोग भी हर कोई ये बहुत ही इजीली बना सकता है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे, तो हम लोगों ने इसको डिश आउट किया है, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकत, और देखें कितने मज़े की हमारी कड़ी पकौड़ा हो गई है रेडी। तो आप लोग भी बनाएँ, हमारी कड़ी पकौड़ा हो गई है तैयार। तो मैंने आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको हमारी कड़ी पकौड़ा कैसी लगी। तो आप लोग के साथ डिफरेंट डिफरेंट व्लॉगिंग शेयर करेंगे, थोड़ी सी बारिश होने दें
तो ये बारिश जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ बाकी की व्लॉगिंग भी अच्छी अच्छी बनाई करूँगी, क्योंकि इतने दिन से बारिश है और ठंड हो गई है तो हम लोग बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने सोचा था कि बाहर जाएंगे आपके साथ व्लॉगिंग करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोग किस तरह की वीडियो बनाना हमें कहते हैं कि आप इस तरह की वीडियो बनाएं, तो आप लोग हमारे साथ कॉमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मर्जी ये वीडियो बनाएं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।